और बच्चा लोग कैसे हो? चलिए चलते हैं कुछ नया सा करने। तो हाँ बच्चों, आज सीखते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स जो हमें कई बार काम आती हैं। हमारे घर में पीतल के, तांबे के कुछ बर्तन होते हैं। पूजा घर में तो होते ही हैं, पर अभी गर्मियां आ रही हैं, हम लोग तांबे के बर्तन में, जग में, गिलास में, हांडी में, उसी में पानी पीना पसंद करते हैं, क्योंकि हेल्दी पानी होता है, तांबे में पीना चाहिए। तो उनको हम साफ़ कैसे करें? और कई बार इसे हम साफ़ करते हैं पीताम्बरी से, कई बार नींबू से, कई बार नींबू नहीं होता, गर्मियों में नींबू बहुत महंगा हो जाता है, पीताम्बरी नहीं है, तो कैसे करें? चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 1-2 चम्मच टमेटो केचप। वहाँ से टमेटो केचप को मैंने क्या किया है, ब्रश से बर्तन को हर तरफ लगा देना है और इसको 5-7 मिनट के लिए अलग से छोड़ देना है। यहाँ लेती हूँ मैं थोड़ी सी दही। दही कोई भी हो घर में, जो खट्टा पड़ा है वही भी ले सकते हैं। और उसमें डाल दिया मैंने नमक। अब पीतल के बर्तन है, जैसे थाली, कटोरी, गिलास, लोटा, जो भी है, घड़ा, उसे आप इस तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लीजिए। पूजा घर में दिया होता है, अगरबत्ती का स्टैंड होता है, सारे गंदे हो जाते हैं, उन्हें आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, शिवरात्रि है, घर में पूजा होती है, तो हमें चमकदार बर्तनों की ज़रूरत होती है। मन खुश सा होता है जब हमारे बर्तन चमक रहे होते हैं। बस इसको रगड़ लीजिए, दही और नमक को। अगर आपके पास दही ना हो तो नींबू, थोड़ा अमचूर पाउडर, साइट्रिक एसिड, विनेगर, कोई भी खट्टी चीज़ लेनी है नमक के साथ, बस उसे इसी तरीके से रगड़ लीजिए। लीजिए, पीतल का बर्तन तो साफ हो गया है, अब हम इसे अलग रख देते हैं। अब जैसे ये अगरबत्ती का स्टैंड है या दिया है, उसमें ऑयल ज़्यादा ही लग जाता है, ऐसे बर्तनों को आप ब्रश से साफ़ कीजिए, दही, नमक और साथ में स्कॉच ब्रश या ब्रश ले लीजिए। अब इस लोटे को हम धो लेते हैं। ये देखिए, धोने के बाद ये कितना चमकदार हो गया, अब हमें इसे पूजा करने में अच्छा लगेगा। अब इतनी देर में ये जो टमेटो केचप लगा के रखी थी तांबे के बर्तन में, उसको आप देखिए, बस उसे भी आप थोड़ा सा नमक लेके रगड़ते जाइए। कोई स्कॉच ब्रश, कोई ब्रश, कुछ भी नहीं चाहिए, बस इसी तरीके से आप रगड़ लीजिए और ये चमकदार लोटा सा बन जाएगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल अभी ख़रीदा है। अब आप कोई भी पूजा में इस लोटे को रखेंगे, ऐसा जग होता है, ग्लास होते हैं, बहुत काले काले हो जाते हैं, पानी पीने का मन ही नहीं करता। ये देखिए, अब हो गए ना साफ, इसे भी धो लेते हैं। एक और बात, इन चमकदार लोटों को हमने धो तो लिया, इन्हें पोछना बिल्कुल ना भूलिए। पोछने से होता ये है, इस पर कोई भी दाग नहीं रहेंगे, वरना पानी के भी दाग लगते हैं तो अच्छे नहीं लगते। ये देखिए अगरबत्ती स्टैंड भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के लिए। अक्सर हम मार्केट जाते हैं, 15 दिन या 1 महीने का सामान लेकर आते हैं। सामान लाने के बाद हम उसे जार में पलट के रखते हैं, लेकिन हम उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भूल जाते हैं। ऐसा ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हम मार्केट से ख़रीदते हैं कुछ ऐसे सामान जिनमें नीचे अंदर ही जिप लॉक होता है, तो उसमें तो कोई ख़तरा नहीं है, तो उसी में ही आप रहने देते हो। बस इसको पैक किया और इसी को ही रहने दिया। जैसे ही उसकी एक्सपायरी डेट दिखती है, सब कुछ दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें, जैसे हम कुछ आटा, बेसन, मैदा, ग्लूटेन फ्री आटा, कुछ ऐसी चीज़ें लाते हैं जिसका टाइम पीरियड बहुत कम है, उसे हम जार में पलटने से पहले क्या करें? ये देखिए, रागी का आटा है, ग्लूटेन फ्री है, इसे हम जार में पलटेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ये कितने दिन तक ये चल सकता है? और कई ऐसे आटे भी होते हैं जिनका हम नाम ही भूल जाते हैं कि ये रागी है कि ज्वार है कि बाजरा है या मक्का है। हालांकि कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, कई बिगनर्स बैचलर्स भूल जाते हैं, तो ऐसे में ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। देखा आपने, मैंने उसी पैकेट का जहाँ पर लिखा है ज्वार का आटा, उसका कितना दिन एक्सपायरी डेट है, वो मैंने कट कर लिया और इसी जार पर चिपका दिया। हो गया ना काम बड़ा आसान। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने रागी का आटा लिया है, उसे भी इस तरीके से चिपका दिया। ये देखिए, अब यहाँ पर कई जैसे नमक वगैरह है, इसका एक्सपायरी 3 साल है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन जिनमें एक्सपायरी बहुत कम होती है, उसके लिए ये ट्रिक जरूर फॉलो कीजिए।
हर किचन में रोटी बनती है, ऐसा कोई किचन नहीं जिसमें रोटी न बनती हो। रोटी हमें रोज़ सुबह शाम बनानी होती है। ऐसे में होता ये है, किचन भी बहुत फैलता है और आटा गिरता है, और होता क्या है कि कॉकरोच आने का बहुत डर होता है, और फिर उस किचन को संवारने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा ना हो तो आपको चाहिए एक न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसे आप बिछाना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ मैं रोटी पका नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि बेलने में जो हमारे बिगनर्स बैचलर्स हैं बहुत सारा आटा फैला देते हैं, बच्चे शुरुआत करते हैं तो आटा काफ़ी फैलता है। ऐसा ना हो तो आपको इस न्यूज़पेपर की मदद ज़रूर लेनी है, और आगे क्या करना है वो भी देख लीजिए, उससे भी आपका काम बड़ा आसान होने वाला है। ये देखिए, मैंने तो सिर्फ रोटियां बेली हैं, पकाई नहीं है, पर आप साथ साथ में पकाते भी जाइए। आसपास जो आटा गिरा हुआ है वो आटा वेस्ट भी होता है, कॉकरोच भी आते हैं, मक्खियाँ आती हैं और मच्छर भी आते हैं। अब देखिए, जो भी आप डब्बा बंद कर रहे हो जब भी, उसे पोछना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी किचन के कपड़े से उसे पोछिए, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। चकला, बेलन, चिमटा, सभी चीज़ को रोटी बनाने के बाद हमेशा धो के पोछ कर ही रखिए। और ये देखिए, पेपर में जो भी आटा है उसे डब्बे में डाल कर रखिए। इससे आपका आटा तो नहीं फैला, आपका काम भी बच गया, और ये देखिए स्टैंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है।